नमस्कार संध्या सतटा प्रतिदिन को स्वागत कर प्रथम नजर पकेबा हेडलाइंस उपरे नुआवर्ष पूर्व मिलपे भल खबर आज एक्सपोर्ट कमिटी बैठक में कोविशील्ड वैक्सीन को मिलपे ग्रीन सिग्नल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टीका को ब्रिटेन ने मिल सारी अनुमति कोटिपति किरणी कुबेर ऑफिसर विजिलेंस सेल में पड़ुंट गंडा गंडा दुर्नीतिखोर हेले अधारु अधिक मामलें निर्दोष में खसी जाउछंती अभियुक्त तेणे दंडविधान हार कम नहीं मुख्यमंत्री को उद्वेग देखा पनीर हेले देह पॉइजन कोलकातारु आसीथिबा एक क्विंटल अधिक सिंथेटिक पनीर कटक जबत मिसी डिटर्जेंट ग्लिसेरिन और यूरिया भली अखाद्य जड़क अटक रखी राकेटर चेर खोजुछि कमिशनरेट पुलिस विश्वस्तरीय बंदर हेब पारादीप केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को सूचना व्यय हेब 3,004 कोटि बड़ बड़ जहाज आसवाप व्यवस्था वेस्टर्न डॉक प्रकल्प निर्माण और इथानल उत्पादन वृद्धि प्रस्ताव को केन्द्र कैबिनेट मंजूरी देश में आगक हेब कि एकक निर्वाचन वन नेशन वन इलेक्शन सपक्ष में जुक्ति बाढ़ा बीजेपी सेपटे वास्तवता को नहीं प्रश्न आंचलिक राजनैतिक दल को मनाइवा होपे बड़ चैलेंज पश्चिम ओडिशारे स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल बंद पर बुला भीमसारे स्थिति असंभाल पड़ोसी छत्तीसगढ़ और झारखंड भी छुटुची रोगी सु सज्जा नथिबारु चिंतार मेडिकल कर्तृपक्ष 7 दिन में 27 जन मृत्यु सूचना पंचभूत लीन है विशिष्ट संगीत निर्देशक शांतनु महापात्र पार्थिव शरीर 84 वर्ष बयस नीरवी गले ओडिशा सिने जगतर दीप्तिवंत तारा मयूरीगो तुम आकाशे गीत को झुरुछंती श्रोता एवं गंजाम रे 9 मासर गोठ छड़ा हाथी छुआ उधार कालीठ टमणा नर्सरी रे जत्न नेउछंती वन कर्मचारी हेले बुझुनी मन मां को झुरुची कुनिहाती सुस्थ हेबा परे ढेंकानाल कपिलास पठाइबा को योजना देश में कोरोना टीका को नहीं नुआवर्ष पूर्व मिलपे भल खबर भारत में टीका रेस आगे कोविशील्ड को आज बसुवा एक्सपोर्ट कमिटी बैठक में जरूरीकालीन व्यवहार पर अनुमति मिलपे आज सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सब टिकेट एक्सपोर्ट कमिटी बैठक बसवार कार्यक्रम रही है ऑक्सफोर्ड कोरोना टीका को अनुमति मिलवा संभावना रही पूर्व भारत में ऑक्सफोर्ड और आस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित टीकार जरूरी टीकाकरण पर अनुमति मांगी पुणे स्थित सेरम इंस्टीट्यूट टीकाकरण नहीं आज ही चूड़ा निष्पत्ति सेरम पक्ष सरकार को अनुरोध करपटे ब्रिटेन में फाइजर पर ऑक्सफोर्ड टीका कोविशील्ड को अनुमति मिली देश में जरूरी टीकाकरण पर ब्रिटेन सरकार मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी मंजूरी प्रदान कर खूब शीघ्र कोविशील्ड टीकाकरण प्रक्रिया में सामिल हो तेज किसी निर्दिष्ट वर्गर लोक टीका देवा नहीं योजना प्रस्तुत होई सेरम पक्ष यूके को प्रथम पर्यायर 1 कोटी डोज पहुंचाई चूड़ा प्रस्तुति होई टीका को अप्रूवल इमरजेंसी अप्रूवल दे देले ब्रिटेन सरकार तेणु आउ गोटे टीका फाइजर प्राय 6 लाख से टीका दे सारी ये टीका टी से दबा आरंभ करेंगे जोटा की हाई रिस्क ग्रुप रे दिजिव तेणु ताकू देखिक बोधे इंडियन अथॉरिटी भी पाखे पेपर्स अच्छी सब से अप्रूव देदेवे भारत जनवरी मसरे ही टीका वितरण आरंभ हो आपण जानिथिबे दि दिन काल ड्राई रन चालूला से सब सिस्टम देखी बहुत जगार सीरीज भी पहुंची गला खाली वैक्सीन आसवा कथा बाकी अच्छी राज्य रे एबे सक्रिय विजिलेंस कोटिपति किरणी ठारु आरंभ कर आईएफएस अफिसर को जाए दुर्नीतिर पेड़ी खुलिबा लागिछि विजिलेंस विभाग एहाको देखि के कहउछन्ती सरकार को स्ट्रांग एक्शन तो आउ के कहउछन्ती दुर्नीति विरुद्ध रे झुलुछि 5T खंडा हेले एनसीआरबी रिपोर्ट को जदि देखिबा तबे राज्य रे 51.4% अर्थात अधारु अधिक मामलें अभियुक्त निर्दोष रे खलास होई जाउछन्ती जहां सरकार को दुर्नीति विरोधी अभियान परे बड़ प्रश्न चिन्ह लगाइछि ए हेउछन्ती बलांगीर रे कार्यरत वेस्कर अकाउंटेंट विभूति शंकर बिंधाणी तांको घर मिली सुना बिस्कुट ठू आरंभ करी पिपुल सुना अलंकार एवं नगद 16 लाख टंका आउ ए हेउछन्ती जगत सिंहपुर जिला तीर्तोल कोर्ट रे एएसआई भावे कार्यरत रवींद्रनाथ सेनापति से भी फसिछंती विजिलेंस जाल रे राज्यर विभिन्न स्थान रे ठाब होई आखि तराटिला भली एकाधिक कोठाबाड़ी केवल विभूति कि रवींद्र नुहंती ब्रह्मपुर लिंगराज ल कॉलेज रो किराणी तथा टाइपिस्ट प्रशांत कुमार नायकों 5टी स्थान रे चढ़ऊ कर ब्रह्मपुर विजिलेंस एकाधिक कोठाबाड़ी ठाब कर घर नगद 18,05,000 टंका जबत कर
16,32,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ଆଲମିରାରୁ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ଯେଉଁ ରିକଭରି ହୋଇଛି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ହଁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବି ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିସ୍କୁଟ ସୁନା ବିସ୍କୁଟ ବି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆମେ ପାଇଛୁ। କେତେ ଓଜନ ଅଛି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାର ହେବ ଆକଳନ କରାଯିବ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଏଭଳି ଭାବେ ବହୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇସାରିଲେଣି। ତା ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଅଭୟକାନ୍ତ ପାଠକ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଜି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପାରଗତା ପାଇଁ 4 ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ 2 ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୋ ମତରେ ଯଦି ଠିକ୍ ରକମ କେସ୍ କରାଯିବ 85-90% କେସ୍ କନଭିକ୍ସନ୍ ହେବା କଥା। ଖାଲି ବାନ୍ଧିବେ କି ଦିନ ପରେ ସିଏ ଖସିଯିବେ, ଆମେ ଶୁଣିବା ଏତେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଲା, ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ଚାଲିବ। ଏନ୍ସିଆର୍ବି ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 2019 3,519 ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ 25 ମାମଲା ବିନା ବିଚାରରେ ଫଇସଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 138 ମାମଲାର ବିଚାର ସରିଥିଲା। ତା ଭିତରୁ 67 ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ, 71 ଦୋଷମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 2019 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 3,356 ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ଥିଲା 48.6%, ଅର୍ଥାତ୍ 51.4% ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ଆଖିଦୃଶିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି 5 ମାମଲାରୁ ମାତ୍ର 2 ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତେବେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁନି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର? ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି କି ଅଭିଯୁକ୍ତ? ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲରେ ବିଳମ୍ବ ଅନ୍ୟ କାରଣ ନୁହେଁ ତ? ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଟ୍ରାଏଲରେ, ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ, ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ। ସାକ୍ଷୀମାନେ ଅବସର ନେଇକରି ଗାଁ ନିଜ ଗାଁରେ ଥିବେ ବା ସହରରେ ଥିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଚାର୍ଜସିଟ୍ର 2-3 ଭିତରେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରାଏଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କନଭିକ୍ସନ ରେଟ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା। ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର କମୁଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। 62ତମ ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କ୍ରମାଗତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର କମି ଚାଲିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହାର ବଢ଼ାଇବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ପଦ୍ଧତି ଆପଣାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିରୋଧୀ ହିଂସା ରୋକିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱିଙ୍ଗ୍ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସେବା ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର, ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ପାରାଦୀପରୁ ମିଳିବ ଦିଶା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଏହାର ନବୀକରଣ ହେବ। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖଲାଲ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏକ ବୃହତ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍। କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ସେସବୁ ଜାହାଜ ଏବେ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା ଡକ୍ ଭିତରକୁ ଆସିପାରୁନି, ତେଣୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡକ୍ ସହିତ ବିଶାଳ ଜାହାଜର ପ୍ରବେଶ ନେଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ନବୀକରଣ ପରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ସେସବୁ ଜାହାଜ ଆସିପାରିବ। ପାରାଦୀପରେ 35 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଲ ପରିବହନ ନେଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ବନ୍ଦର ଓ ଡକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରାଦୀପକୁ ହବ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। एक वेस्टर्न डॉक बनाने के लिए आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 3,000 करोड़ रुपीस का खर्च करके एक आधुनिक और विश्वस्तरीय बंदरगाह निर्माण करने के लिए फैसला। आगामी दिन में 400 मिलियन मेट्रिक टन लक्ष्य अच्छी या को ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତା ପାଇଁ କେପ୍ ସାଇଜ୍ର ଜାହାଜ ଲାଗୁ, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାହାଜଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବାଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, ଡିପ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦରକାର। ତା ପାଇଁ ଆଜିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 5 ସାଲ ମେ ବନେଗା, 2 ଫେଜ୍ ମେ, ପହଲା ଫେଜ୍ 3 ସାଲ ମେ ଅର୍ ଦୁସରା ଫେଜ୍ 2 ସାଲ ମେ ଆଏଗା। ये
इसके द्वारा हमारे पारादीप पोर्ट में 25 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग की क्षमता बढ़ेगी। चर्चा हेउछि ओडिसारो पुराना राजधानी नुआ परिचय सृष्टि करबाकु जाउछि नकली सामग्रीर राजधानी भाबे कटकरे गत किछि दिन हेबो लगातार अपमिश्रित खाद्य सामग्री तयारी कारखाना ठाब हेउथवा बळे आज हाबुडरे पडछि कलिकती सिंथेटिक पनीर पुलिस और महानगर निगम अधिकारी चढ़ाऊ करी बस रे चलाणी होता ब्यारेल भर्ती भेजाल पनीर जबत करिथिबा बळे जणक अटक रखी एभली अखाद्य कारबार मूल जाए पहुंचाक चेष्टा चली। देखा पनीर देह पैजन अपमिश्रित एकदम अखाद्य उपरकु सतेज सफेद चकाचक दिशुले भी एसी सात रु अधिक केमिकल लुगा सफा डिटर्जेंट मैदा यूरिया ग्लिसेरिन सल्फ्यूरिक एसिड आउ किसी नष्ट हो जा क्षीर आदि को मिसाई याभली सिंथेटिक पनीर कोलकाता राताराति कटक आसुची आउ सका सका बिक्री हो जाए साधारण लोक भी खांटी पनीर भाभी ए विष को किणी भोर चारिटे कटक ओएमपी छक चढ़ाऊ कर कोलकाता आसुवा एक बस डिक्रु एभली ब्यारेल भर्ती सिंथेटिक पनीर को जबत करमिशनरेट पुलिस और सीएमसी मिलित टीम सेपटे कटक जिला दुग्ध व्यवसायी संघ ए चढ़ाऊ को स्वागत करते यहाँ बहु अधिक भेजाल जिनस आसुवा यूरिया मिशुची मैदा मिशुची जोड़ाक डेस्ट्रॉयड मिल्क गुराक नष्ट क्षीर तादेह मनोस्टेरेट बोली गोटे पाउडर मिशुची एवं ग्लिसेरिन ये सब विभिन्न जिनसर सम्मिश्रण होकर तरकारी खाती मीठा हुए यहाँ मीठा हे जानवाटा बहुत मुस्किल कहीं आखि के देखा दूसरी दीर्घ दस वर्ष हम आज्ञा आम संघ पक्ष आम कटक महानगर निगम को बारंबार चिठी लिखी जो माल झरा ये हूँ सीमित ये आज्ञा सांपुल आपणकर प्रतिदिन दस टन रु अधिक माल कटक को आसुच्छी बसर परिवहन खाद्य परिवहन क्षमता नथिबा बेले बस भितर किभली भावरे परिवहन होउची परिवहन विभाग करुच्ची कौन खाउटिंग को धोखा दे समालक पेट को विष निज पॉकेट को अधिक मुनाफा ठेलुचंती असाधु व्यवसायी ए सिंथेटिक पनीर को मात्र 60 टंका किलो रे किणी 220 टंका रे बिकुचंती केवल एतिक नुहे साधारण पनीर 3-4 घंटे नष्ट हो जाता बेले ये 2-3 दिन पर भी पूरा पूरी फ्रेश देखा जाए तेणु ए सिंथेटिक पनीर रैकेट्रे कटकर किसी मीठा दोकानी संप्रक्त थिबा पुलिस सन्देह करुछि चावलियागंज पुलिस घटनारे जणक अटक रखी पचराउचरा करथवा बेले कटकर केउकों दोकान को एवं कोलकाता रु ओडिसा आउ केउ सब शहर को यार चालान हेउछि से नै खोलतार चलीछि सेपटे एभली पनीर खाइले बहु गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या देखा जाय पारे बोली सतर्क कराइछंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ इटा कोडी कोडी सप्लाई कराउथला किए नउथले एटी बेसिकली जा जणा पड़ जे माने टीआई करी मध्ये लोकमान को बिकि दउथले आ किछि गराक अछंती बाघरे फागरी का जे माने बरा दियंती तांकू मध्ये माने दे दियंती खाउटी मान को हमर गोटे कमिशन तरफ निवेदन पनीर घर को नेला बेलू देखु से पनीर तर गोटे सिस्टम जहाँ मुझे हेल्थ अफिसर बुझुली गोटे पनीर टा छोट खंडे नेला गरम पाने पके दे आयोडिन जब पके ब्लू होगा तो पनीर टा डिस्टिंग स्टार्च अच्छी अडल्टेटेड पनीर बांति इत्यादि कर स्टोबाक अफसेट कर लिभर को केतटा जिनस अच्छी अपमिश्रण से जिनस गुड़ा लिभर को खराब कर किडनी को खराब कर झाड़ा हम पतला झाड़ा हो पाए तेणु एसबू जिनस खाइबा मनुष्यर स्वास्थ्य प्रति हानिकारक पूर्वर नकली तेल घी अपमिश्रित मसला और भेजाल सस बदनाम होता कटक एवं सिंथेटिक पनीर पुणी अपख्याति मुंडाई कटकु कैमरा पर्सन सुभाष सेठी विश्वजित आचार्य रिपोर्ट ओटीवी खोलिबो सिनेमा हॉल जनवरी मास पई गाइडलाइन जारी करी निष्पत्ति नेछंती राज्य सरकार जनवरी रे केवल कंटेनमेंट जोन को छाड़ी बाकी अंचल रे सिनेमा हॉल थिएटर खोलिबा को अनुमति मिली छि 50% दर्शकों को नी सिनेमा हॉल खोलिबा को अनुमति दिया जाय छि सेबडी 200 लोकों को सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम को अनुमति मिली छि यात्रा मुक्ताकाश रंगमंच स्थानीय प्रशासन रो अनुमति रे खोली परिबो ए सब को कोविड गाइडलाइन अनुसार खोलिबा को अनुमति मिली परिबो सेबडी कोरोना पई जीरो नाइट बारण करछंती राज्य सरकार जीरो नाइट बारण नै मुख्य शासन सचिव निर्देशनामा जारी होई छि
ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही अमर इनपुट एडिटर स्वाधीन राउत। स्वाधीन, अपेक्षा कर कि केवे थिएटर खोल एवं सहित समस्त नजर रहा जीरो नाइट सेलिब्रेशन को नहीं तो कौन आसी गाइडलाइन जनवरी देखो ये जनवरी गाइडलाइन जहाँ आप कहते जे अधिक रु अधिक जो अनलॉक करा जाउछि जहाँ सिनेमा हॉल रही थिएटर रही सबको अधिक अनलॉक करा जाउछि 50% कैपेसिटी रे सिनेमा हॉल जो खोल कथा कहे सब प्रकार जो एसओपी जो रही देखो मास्क ठू आरंभ करके सोशल डिस्टेंस से सब पालन करके ही ये सब एक्टिविटीज कल्चरल एक्टिविटीज हम आउ गोटे कथा नीलिमा ओपन एयर थिएटर यात्रा एंटरटेनमेंट पार्क ये सब परमिट दिखाई किंतु जो स्थानीय अधिकारी रही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रही म्युनिसिपल कमिशन रही हूं प्रॉपर ऑथराइज्ड पर्सन से परमिशन देवे तो जहां प्रोटोकॉल रही सेफ्टी प्रोटोकॉल मानिकी ताको फेस मास्क हला जमी फिजिकल डिस्टेंस जो रहा से सब मानिकी करा पड़ो देखो आप जात्रा नहीं कि बहुत होहल्ला मध्य होता बहुत कलाकार मान से बहुत कथा कहते सरकार से दाबी करुते दाबी करुते तो यही अलाउ करा दी किंतु जहां कोविड गाइडलाइन रही गाइडलाइन को पालन करके ही ये सब करा दिवो आ गोटे कथा जहां कहा जाए थी जो स्कूल एवं कॉलेज कथा कहा जाए थी से सीधा साल कहा जाए थी जो कंसर्न डिपार्टमेंट अच्छी स्कूल एंड मास एजुकेशन ऑथराइज के प्रॉपर जहां जो रही थी डिसीजन नवारे हायर एजुकेशन जो रही थी स्कूल कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी जो खोलिया नहीं हायर एजुकेशन ऑथराइज करा जाए थी से माने ये सब ऊपर निष्पत्ति ने तो मोटा मोटी कहवा को गले नीलिमा जो अनलॉक जो रही बहुत किसी रेस्ट्रिक्शन जो आगुरु थिला अनेक तो उठे दिया आउ किसी रेस्ट्रिक्शन उठे दिया जाए तबे आउ गोटे कथा जो विभिन्न प्रकार जो विभिन्न प्रकार आयोजन जो मध्य करा जाउछि कल्चरल सामाजिक एंटरटेनमेंट ये सब आयोजन करा जाउछि ताकु मध्य अनेक रिलैक्सेशन दिया जाइछि तो केमिति दर्शक माने पहुंच परिबे देखि परिबे एवं सबुटे गोटे कथा कह जाउछि जे कोविड गाइडलाइन जो रही एसओपी को ताको कड़ाकड़ी भावे पालन करिया पे कहा जाइछि एवं जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल जो रही एमएसए सेटा को 31 जनवरी जाए बंद कर दिया जाइछि आ गोटे सामाजिक धार्मिक एवं स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट एकेडमिक कल्चरल फंक्शन गैदरिंग को अलाउ करा जाइछि 200 लोक मध्यरे ही आको सीमित करिया पे कहा जाइछि मोटामोटी कहवा कले जो जिनसटी बंद पड़ी धीरे धीरे तो सब खोलुला स्वाधीन किंतु जोटा कलाकार एवं कला जगत सबुठ अधिक अफेक्टेड होते तेणु से दिग्वे सरकार पदक्षेप नहीं कोरोना गाइडलाइन को मानि वर्तमान सिनेमा हॉल खोलने पर अनुमति रही सहित मुक्ताकाश को रंगमंच को स्थानीय प्रशासन अनुमति में खोलने पर निर्देशनामा जारी कर धन्यवाद स्वाधीन आम सहित आलोचना करते इनपुट एडिटर स्वाधीन राउत। आज अपरती खबर को बढ़िला इनकम टैक्स रिटर्न अवधि केन्द्र सरकार आयकर दाखल समय सीमा को बढ़ाई 31 डिसेंबर जाए साधारण टिकसदाता अवधि वृद्धि करिछंती साधारण टिकसदाता आईटी रिटर्न अवधि 2021 जनवरी 10 जाए बढ़ाई केन्द्र सरकार से परी ऑडिट युक्त अकाउंट रिटर्न अवधि को आसंता वर्ष फेब्रुवारी 15 जाए वृद्धि होई इंटरनेशनल ट्रांजाक्शन रिटर्न अवधि को भी बढ़ाई 2021 फेब्रुवारी 15 को बढ़ा जाए पूर्व आयकर दाखल समय सीमा 31 डिसेंबर जाए रही खोर्धा निकटस्थ एक घरोई विश्वविद्यालय में जीएसटी ठके मामलें सीआईर तनाखना आज संपुक्त विश्वविद्यालय को जाई जांच कर सीबीआई टीम जांच बेले जन कर्मचारी भी सीबीआई स्कानर को आसा सूचना मिली ठकई को नहीं किसी गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र जबत होती अपरपक्ष जीएसटी पक्षर् विभाग तदंत आरंभ सहित सविशेष तथ्य आसवापर अभियुक्त अधिकारी विरोध में कार्यानुषान होपे एपटे गतल गिरफ चारिजन को आज कोर्टे हाजर कर मामलें आउ किए किए सामिल से नहीं अधिक खोलताड़ जारी रखी सीबीआई जीएसटी विभाग में भी लांच कारबार केमी से दिग्वे तदंत चली गतकाली 10 लाख लांच नेता बेले सीबीआई हाथ में धरा पड़े जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज तीन जन अधिकारी सहित लांच दे व्यक्ति को गिरफ्तार सर रिलेशन क्या था हम लोगों के बीच में जो 10 लाख का डील हो रहा था मैं बोल रहा हूँ ऑफिशियली हम लोग मिलेगा इन्फॉर्मेशन जब भी मिलेगा ऑफिसर माने सलाह सूत्र किसी जीएसटी लॉस होउची एवं बहुत समय रे से माने संस्था मानन को
गोटे कोर्सिव मेथड मध्य अडॉप्ट करछंती एवं जेहेतु एटा गोटे नुआ लॉ से तार फायदा नहीं कि अनेक करप्शन केसेस सामना को आसुची। वन नेशन वन इलेक्शन को नहीं पुणी आरंभ है चर्चा आगो को हेबो कि एकक निर्वाचन एने आलोचना जोरदार बीजेपी एने रोडमैप मध्य प्रस्तुत करछि दल एकक निर्वाचन और एकक वोटर तालिका उपर गुरुत्व दे यार फायदा संपर्क में जुक्ति बाढ़ुछि तबे बड़ प्रश्न सबु राजनैतिक दल एथिरे राजी हेबे तो वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है बल्कि ये भारत की जरूरत है। एक राष्ट्र एक निर्वाचन वास्तव में यह व्यवस्था पुणी थे देश में लागू हो पार किदिन ते 80तम सर्वभारतीय प्रिजाइडिंग ऑफिसर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी वन नेशन वन इलेक्शन उपर अभिभाषण रखिथे केन्द्र सरकार एवं यह दिगरे सारा देश में विचार विमर्श आरंभ कर आज बीजेपी पक्ष संपर्कित वेबिनार आयोजन कर आलोचना करुक्ति रखी वन नेशन वन इलेक्शन लागू हेले खर्च समय मानव संबल कम जीडीपी रे सुधार आसीबो बारंबार निर्वाचन जोगु आदर्श आचरण विधि लागू पाई उन्नतिमूलक काम अटकिबनी एपरिकी शिक्षक शिक्षयत्री उपर पड़ुथवा अतिरिक्त बोझ मध्य कमिबो प्रतिवर्ष प्राय 5-7 निर्वाचन देश में अनुष्ठित होतवारु हिंसाकांड जातीयाण वैषम्यता अधिक देखा दैथाय जहाकी ह्रास पाइबो सबुठारु बड़ कथा होउची जे पुलिस एवं प्रशासन उपर चाप मध्य हटिबो सेबडे बीजेडी कहिछि एने अधिक चिंतन रो आवश्यकता रहिछि विधानसभा पाई जो वोटर लिस्ट साधारण निर्वाचन पाई भी सही वोटर लिस्ट चिंता करंतु केते कामोटा कम हे जीवो टाइम एनर्जी मनी एंड मैन पावर वर्तमान मु भाबुछि संसाधन क्षति होछि एटा मु भाबुछि यार कंजर्वेशन हबो संरक्षण हबो जदि आमे समानांतर चुनाव करिबा भौगोलिक प्रतिबंधक एवं विभिन्न प्रकार संबल सांस्कृतिक विविधता मध्य रही भावुची या पर अधिक चिंतन आवश्यकता रही जितेबले फेडरल कनसेप्ट राज्य मानक उठिला आंचलिक दल मानक प्रभाव बढ़ला ये आंचलिक दल मान खर्व करने ये हूँ एक योजना एटी जे फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था एथिरे किछ अस्थिरता भी नाही आउ आसुने 1952-1967 जाए देश में एकक निर्वाचन अनुष्ठित होता यहाँ असंगति देखा 1983 और 1999 एकक निर्वाचन लगी विचार विमर्श होते सुधा कार्यकारी हो पार ना एवं पुणि थे एकक निर्वाचन नहीं विचार विमर्श आरंभ हो तेज राजनीतिक समीक्षकों मत में केन्द्र सरकार योजना को आंचलिक दलगुड़िक विश्वास न नहीं पारती देश में प्राधान्य विस्तार कर आंचलिक दलगुड़िक विश्वास भाजन करने सरकार चैलेंज भी हो पाए आंचलिक दलर स्थिति कौन हम राज्य आंचलिक दल केमती के दूर लड़ी पारे ये वन इलेक्शन रे पार्लियामेंट सहित कॉन्फिडेंस जनरेट कला भाया गोटे गवर्नमेंट ट्रस्ट रहा दरकार ये बर्तमान परिस्थिति रे ट्रस्ट डेफिसिट अच्छी तेज जुगांतकारी परिवर्तन किभली आसीपुर समस्त नजर भुवनेश्वर कैमेरामैन अनंत सहित बलराम महांती और जगदीश दास रिपोर्ट ओटीवी। पश्चिम ओडिशार विभिन्न जिले में चली स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल गुड़ी को सरकार बंद करदेपर एवं बुल्ला भीमसार कोविड हॉस्पिटल रोगी असंभाल भिड़ पड़ोसी जिला गुड़िक व्यतीत एठाक छत्तीसगढ़ और झारखंड रू भी रोगी आसुछन्ति परिस्थिति एमती है जे भीमसार कोविड हॉस्पिटल आउ बेड ना क्षमता ठार अधिक रोगी को नहीं चिंतार पड़ते मेडिकल कर्तृपक्ष सेपटे अति गुरुतर अवस्था रोगी आसुवर मृत्यु संख्या भी बढ़ी चली मिलता सूचना अनुसार गत 7 दिन में एठार 27 जन बुर्ला भीमसार स्वतंत्र कोविड हॉस्पिटल राज्य में कोविड आक्रांत संख्या कमिबार लगी किंतु कौनसी बेड फांका नहीं हॉस्पिटल रही मोट 100 बेड एवं 20 आईसीयू तेबे एहाठारु ढेर अधिक संख्या आसुछन्ति रोगी संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ बरगढ़ बौद्ध और सुवर्णपुर समेत पश्चिम ओडिशार विभिन्न जिले में थिबा कोविड हॉस्पिटल को बंद कर देछन्ति सरकार फलरे से सबु जिलारु गुरुतर कोविड रोगी सुअ छुटुची भीमसार कोविड हॉस्पिटल को एपरिकी पड़ोसी राज्य झारखंड एवं छत्तीसगढ़ मध्य एठाकु रोगी आसुछन्ति तेणु हॉस्पिटल उपरे चाप बढ़ी पारे लागिछि 27
ହସ୍ପିଟାଲରେ କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ କହିଲେ ଯେ ପହିଲେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କର ତାପରେ ଇଏ କରିବ କହିଲେ କୋଭିଡ଼ କୋଭିଡ଼ ବାହାରିଲା। ଏପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜଘାଟ ଶ୍ମଶାନରେ ଜଳୁଛି ଜୁଇ। ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ଶବ ପୋଡ଼ାଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ 27 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗତ 22 ତାରିଖରେ 4 ଜଣ, 23ରେ 2 ଜଣ, 24ରେ 5 ଜଣ, 25, 26 ଓ 27ରେ 3 ଜଣ ଲେଖାଏ ଏବଂ 28ରେ 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କୋଭିଡ୍ ଓ ନନ୍ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି 22ରୁ 28 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 158 ଜଣ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଆମର କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼େଇବୁ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବୁ, 30ଟା ବେଡ୍ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଯେତିକି ବେଡ୍ ଅଛି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ 15ଟା ବେଡ୍ HDUକୁ କନଭର୍ଟ କରିବୁ। ଏବେ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର କାପାସିଟି ଫୁଲ୍। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲେ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ କି ବିକଳ୍ପ ଅଛି? କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଓଟିଭି। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲା ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମର ଶରୀର ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ପୁତ୍ର କୌଶିକ ମହାପାତ୍ର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। 84 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନିମୋନିଆରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀରକୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାସପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବାରିପଦାରେ ଜନ୍ମିତ ଶାନ୍ତନୁ ଦୀର୍ଘ 6 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସହ ହିନ୍ଦୀ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ଅହମିଆ ଓ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଓ ମହମ୍ମଦ ରଫି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ରଫି ଗାଇଥିବା ମୟୂରୀଗୋ ତୁମ ଆକାଶେ ମୁଁ ଭଳି ଚିର ସବୁଜ ଗୀତର ସେ ଥିଲେ ବିନ୍ଧାଣି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ଅରୁନ୍ଧତୀ, ଚିଲିକା ତେରେ, ପ୍ରିୟତମା, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା, ଶୀତରାତି, ଡୋରା ଭଳି ଅନେକ ଫିଲ୍ମରେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର। ତିନି ଦିନ ତଳେ ସେ କହିଲେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେମିତି ହୁଏ, ବହୁତ ଶୀତ ପଡ଼ିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେବାଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜେ କିଶୋରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ରବିବାର ଦିନ କଥା, କାଲି ରାତି 8 ବେଳୁ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ତାଙ୍କର କମିଗଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବେଳେ ଫାଇନାଲି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବାଛା ଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 2000 ସଙ୍ଗୀତକୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି 54 ସିନେମାରେ। ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଗୋଠଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ମଣିଷ ଆଶ୍ରାରେ 9 ମାସର ହାତୀ ଛୁଆ। ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ସୋରଳରେ ହାତୀ ପୋଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଉଦ୍ଧାର ପରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଟମଣା ନର୍ସରୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ହାତୀ ଛୁଆଟି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ତାର ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ହାତୀ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ତାକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ କପିଳାସରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କାଲି ସେ ଥିଲା ମା ସହ, ପଲରେ ଚାଲୁଥିଲା, ସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ବୁଲୁଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସେ ଅଲୋଡ଼ା, ଏକୁଟିଆ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟ ଟମଣା ନର୍ସରୀରେ ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ମାତ୍ର 9 ମାସର ଏ ହାତୀଛୁଆଟି ଏବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ପରିବାରଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ନିଜ ଭୁଲ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପର କରିଦେଲେ ସାଥୀ ସହଦର। ଗତକାଲି ସୋରଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଥିବା ହାତୀପଲରେ ଥିଲେ ତା ଭଳି କିଛି ଛୁଆ ହାତୀ। ହ୍ରଦରେ ପାଣିର ମଜା ନେବା ବେଳେ ଭାସିଯିବାରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେଇଠୁ କୋଠଛଡ଼ା ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଦଳ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ। ଏଣେ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଦିନ ତମାମ ହାତୀଛୁଆଟିକୁ ଦଳରେ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଶେଷରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ରାତିରେ ହାତୀଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏ ନର୍ସରୀରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 3 ଥର ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେ ତା ମା ପାଖରେ ଛଡ଼ା ହେଲା, ତଥାପି ସେ ହାତୀଟି ଏଠି ରୋଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କୁ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଏବଂ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଆଣିକି ଟମଣା ବିଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ଆଣିକି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ବିଏଫ୍ଙ୍କ ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ସହ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହ ରଖାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିଙ୍କ ଠାରୁ
ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ କେମିତି ଅଛି ସାର୍ ସୁସ୍ଥ। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ତା ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆଘାତ ଓ କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। ଜଣେ ଭେଟେରିନାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ହାତୀ ଛୁଆଟି ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶିଖିନଥିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଏ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଇଟା ତ ଅବଜରଭେସନ କାଲି ରାତିରୁ ରଖା ହେଇଛି, ତାର ଭେଟେରିନାରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମର ଲୋକାଲ ଭେଟେରିନାରିଆନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିବିଓ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଭେଟେରିନାରୀ ଅଫିସର ସେ ଆସିକି ତାର ରୀତିମତ ହେଲ୍ପ ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଟମଣା ନର୍ସରୀରେ ଛୁଆ ହାତୀ ଥିବା ଖବର ପରେ ଏବେ ଏ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି। ସମୟ ଯାଇଛି, ପ୍ରତିଦିନ କୁଏଟ ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଅନ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି .in, ଓଡ଼ିଆରେ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରିପାରିବେ ଖବର .odishatv.in। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଟିଭି।